गणेश जी को बस ये एक चीज चढ़ा देना, आप जितना पैसा मांगेंगे आपको उतना पैसा मिल जाएगा। प्रथम पूजनीय गणेश जी की पूजा हम अपने काम पूरे होने की प्रार्थना के साथ करते हैं, क्योंकि गणेश जी को मनोकामना पूर्ति करने वाले, बुद्धि और विवेक देने वाले भगवान के रूप में जाना जाता है। ऐसे में जब आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो उन्हें तरह तरह के भोग भी लगाते हैं। ज्यादातर लोगों को यही पता होता है कि गणेश जी को मोदक ही अति प्रिय है, जिसका भोग लगाने से गणेश जी अति प्रसन्न हो सकते हैं। हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार जी का कहना है कि आप गणेश जी को एक ऐसी चीज चढ़ा दीजिए, फिर आप जितना पैसा मांगेंगे आपको उतना पैसा मिल जाएगा। और क्या है वो चीज, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुरु जी कहते हैं कि 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव में भगवान की बहुत ही विधि विधान से पूजा की जाती है। आपने भी अपने घर पे गणपति जी की स्थापना की है तो आपको भी गणेश जी को उनकी पसंद का भोग और चीजें अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पूरे परिवार पे गणेश जी की कृपा जरूर बरसती रहेगी। आप कोशिश करें कि गणपति जी को अपने हाथों से बनाकर भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान आपके पूरे परिवार पे अपनी विशेष कृपा बनाए रखेंगे। आप गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। मोदक भी कई तरह के बनते हैं। महाराष्ट्र में तो खास तौर पे गणेश पूजा के समय औरतें तरह तरह के मोदक बनाती हैं। मोदक के अलावा गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। शुद्ध घी से बने हुए लड्डू गणेश जी को बेहद पसंद है। इसके अलावा बूंदी के लड्डू, नारियल तिल और सूजी के लड्डू भी आप अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को शुद्ध घी और गुड़ का भोग भी लगाया जाता है, क्योंकि गणेश जी को शुद्ध घी में पका हुआ गुड़ का भोग बहुत प्रिय है। इसीलिए सकट चौथ में भी गणेश जी को काला तिल, गुड़ और देसी घी के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। गणेश जी को केले भी अति प्रिय है, उन्हें कभी भी एक केला अर्पित ना करें, हमेशा जोड़े में ही केला अर्पित करें। इसीलिए सकट चौथ में भी गणेश जी को काला तिल, गुड़ और देसी घी के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। आप गणेश जी को गन्ना भी जरूर अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी को गन्ना अर्पित करने से आपके जीवन में मिठास घुल जाती है, तो इन सभी चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। भोग चढ़ाने के साथ ही गणेश जी की पूजा में दुर्वा चढ़ाने का भी परंपरा है। गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है। दुर्वा के ऊपरी हिस्से पर 3 या 5 पत्तियां हो तो बहुत उत्तम है। साथ ही दुर्वा हमेशा जोड़े में ही चढ़ाएं। हिंदू धर्म में सुपारी को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। गणेश चतुर्थी की पूजा सामग्री में सुपारी को जरूर शामिल करें। कहा जाता है कि बप्पा पे सुपारी चढ़ाने से घर में बरकत और खुशहाली आती है। गणेश जी को सिंदूर बेहद पसंद है, इन्हें सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाने के बाद अपने माथे पे सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा में लाल रंग का फूल भी चढ़ाएं। गणेश जी को गुड़हल का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही पीले रंग गणेश जी को अति प्रिय है, इसीलिए आप उन्हें गेंदे का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को हल्दी जरूर चढ़ाएं। इस दिन बप्पा को हल्दी की 5 या 7 गांठ चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि हल्दी चढ़ाने से विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करते हैं और उनके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। चलिए जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसे चढ़ाने से गणेश जी आपके ऊपर इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आप जितना पैसा मांगेंगे आपको उतना पैसा मिल सकता है। दरअसल हिंदू धर्म की हर पूजा या हवन में नारियल जरूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका विशेष महत्व होता है। पुराणों में नारियल को माता लक्ष्मी का प्रिय फल बताया गया है। गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश को साबुत यानी खड़ा नारियल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन की वर्षा होती है। आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट दें या फिर उसके ऊपर कलावा लपेट दें, फिर उसे गणेश जी को अर्पित कर दें। गणेश जी को कौन कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए इस बारे में दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, ना कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।